हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग 8 जनवरी 2022, जो आपका सीटेट 2021 पिछले साल जो ऑनलाइन मोड में हुआ था, उसमें ये शिफ्ट आपकी है। इसकी डेट आप देख सकते हैं, 8 जनवरी 2022 की शिफ्ट है और 7 जनवरी तक हम के जो पेपर्स हैं वो मैंने पहले ही अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, आज की वीडियो में हम लोग मैथमेटिक्स का पोर्शन इसमें देखेंगे और किस तरीके के क्वेश्चन आए सबको यहाँ पर सॉल्व करके दिखाया जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये है मैथ्स का पोर्शन, यहाँ से स्टार्ट है। तो सबसे पहले 31st क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन आंकड़ों के आलेखीय निरूपण के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है? ठीक है, तो इसमें देखिए कौन कौन से आलेखीय निरूपण के लिए, देखिए चित्र आलेख यूज किया जाता है, पाई चार्ट भी किया जाता है, आयचित्र भी किया जाता है। तो इसमें लेकिन पूछा गया कि कौन सा नहीं किया जाता, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा औसत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व करने वाले क्वेश्चन होंगे उनको सॉल्व करके। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा है, श्यामा के पास एक आयताकार कागज़ था जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर थी और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर थी। उसने कागज़ को मोड़कर एक वर्ग में बदल दिया। रैखिक सममिति की संख्या मोड़ने के बाद में क्या बदलाव होगा? देखिए, मैंने रैखिक सममिति से संबंधित काफ़ी क्वेश्चन लगभग हर पेपर में आए, हर शिफ्ट में लगभग रैखिक सममिति से संबंधित क्वेश्चन आए हैं। आपको मैं सीधे बता देता हूँ, सीटेट की 6th क्लास की बुक आप पढ़ लेंगे, उसी में आधे से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। सममित रेखाएं क्या होती हैं? देखिए, आयत में दो होती हैं सिर्फ। ठीक है, एक तो ये होती है ऐसे, क्योंकि बीचों बीच से अगर ये रेखा रखेंगे सममित रेखा, मतलब कि ऐसे यहाँ से अगर मोड़ देंगे बीचों बीच से, तो फिर ये वाला पोर्शन जो है ये इस पोर्शन को पूरा पूरा ढक लेगा। ठीक है, एक तो ये आयत में हो गए सममित रेखा, दूसरी होती है ऐसे। ठीक, अगर यहाँ से मोड़ेंगे इधर को, ठीक, तो ये भी पूरा पूरा ढक लेगी, लेकिन लेकिन बस दो ही होती हैं, क्योंकि देखिए अगर ऐसे करेंगे और इनको आपस में फोल्ड करेंगे तो ये एक दूसरे को ढकेंगे नहीं। आप सीधे समझ लीजिए कि सममित रेखाएँ आयत में दो होती हैं टोटल, और वर्ग में होती हैं टोटल 4। ठीक है, तो वर्ग में होती हैं 4, आयत में होती है 2, तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगी रैखिक सममित संख्या 2 बढ़ जाएगी। इससे लंबाई चौड़ाई से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अगर वर्ग है तो 4 होंगी, आयत में है तो 2 होंगी। ठीक है, तो 2 बढ़ गई यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधा के पास एक आयताकार कार्ड है जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है। रेणु के पास एक वर्गाकार कार्ड है जिसकी भुजा 15 सेंटीमीटर है। दोनों कार्डों के माप का अंतर क्या है? पहले देखिए आयत का निकाल लीजिए, आयताकार का क्या पूछा गया है? परिमापों में अंतर का परिमाप पूछा गया है। तो क्या होता है? 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, यही तो होता है, ये फॉर्मूला होता है। अब 2 यहाँ पे रख दीजिए, मल्टीप्लाई लंबाई कितनी है 20 और 10 चौड़ाई, तो 10 और 20 कितना, ये 30 हो गया। तो 2 × 30 कितना आ गया? 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर ये आ गया आयत का। ठीक, आयत का कितना आ गया? 60। ठीक, अब वर्ग का निकाल लेते हैं। वर्ग का परिमाप बराबर 4 × भुजा। ठीक, तो 4 हो गया, भुजा कितनी है 15 सेंटीमीटर, ये भी हो गया 60 सेंटीमीटर। ठीक, तो दोनों जब 60 हैं तो दोनों का अंतर, मतलब दोनों को जब घटा देंगे तो आंसर आएगा आपका 0। ठीक है, 0 सेंटीमीटर इसमें रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। नीचे दिए गए विकल्पों में से वृत्त के भागों को चुनिए। ठीक, तो वृत्त देखिए ये इस तरीके से बनता, बिल्कुल गोल। ठीक, इसमें क्या क्या चीज़ें जरूर होंगी? एक तो आपका केंद्र होगा। ठीक है, तो केंद्र होना चाहिए। ठीक, सबसे पहली बात केंद्र, ठीक है, केंद्र होना चाहिए। फिर त्रिज्या होगी, ठीक है, त्रिज्या भी हो गई। ठीक है, फिर यहाँ से लेके यहाँ जो केंद्र से होती हुई सबसे बड़ी जीवा होती है, ये होती है व्यास, व्यास हो गया। ठीक, और फिर ये परिधि होती है, परिधि मतलब ये नहीं बनेगा तो फिर वृत्त कैसे बनेगा, ये परिधि। ठीक, तो परिधि होती है। ठीक है, तो ये चारों चीज़ें किस में हैं? 4th में, यही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 35वां, इसमें यदि मीता 1 घंटे में 16 किलोमीटर की दूरी चलती है तो 210 मिनट में कितनी दूरी तय करती है? अब यहाँ पे देखिए घंटे में दिया, यहाँ मिनट में दिया, पहले मिनट को घंटे में चेंज कर लेते हैं, बटे में 60 कर देते हैं, 0 0 कट जाएगा, 6 से भाग दे दिए, 6 × 3 = 18.65 30। ठीक, 3.5 घंटे का समय आ गया, 1 घंटे में कितना, चूँकि ठीक है 1 घंटे में 16 किलोमीटर, ठीक है, KM, तो फिर 3.5 घंटे में, इसलिए 3.5 घंटे में कितना हो जाएगा, 1 है और यहाँ 3.5, तो ज़्यादा हो रहा है तो गुणा हो जाएगा, 16 × 3.5 गुणा करेंगे तो आएगा 56, आंसर आपका हो जाएगा 56 किलोमीटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमिताभ एक वर्गाकार कागज पर ऊर्ध्वाधर रेखाएं बनाकर, देखिए वर्गाकार क्या होता है, वर्गाकार, ठीक, पूरा जिसमें लंबाई चौड़ाई सब बराबर हो, ठीक है, लगभग मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, अंदाजा आप लोग मान लीजिए ये लंब बराबर है, इनको क्या लिखा, 10 क्षैतिज, पहले लिखा 10 वर्गा ऊर्ध्वाधर रेखाएं बनाकर उन्हें 10 समान आकार की आयताकार पट्टियों में बांटती है, तो 10 एक सॉरी ऊर्ध्वाधर बोला था, ठीक है, तो ये हो गया आपका वर्ग मान लीजिए, तो 10 सॉरी फिर से गलती कर दी, इसको हटा दीजिए, इस तरीके से बनेगा, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस, देखिए 10 पॉइंट 10 होगा, एक दो तीन पाँच छ सात आठ नौ दस, 10 बराबर भाग में कर दिया, फिर कहा है इनको कलर करने के लिए, ठीक है, कलर बोला है करने के लिए, ठीक, अगर कलर करेंगे इसमें तीन में, ठीक है, अब यहाँ पे कलर करने के लिए यहाँ पे बोला है, तो तीन पार्ट में इन्होंने कलर करने के लिए बोला है, तो तीन में कलर आप कर दीजिए, तीन में एक दो तीन, इन तीनों में कलर कर देते हैं हम लोग, मान लीजिए ऐसे ये यहाँ पर ब्रश नहीं है, हम ऐसे ही बना दे रहे हैं, ठीक है, तीन में कलर कर दिया, ये तीन तीन पार्ट ये हो गए, ठीक, फिर इन्होंने कहा है कि इसमें, फिर इन्होंने कहा है कि इसमें सॉरी कलर दूसरा चेंज कर दे, फिर 36 10 रेखाएँ बोली करने के लिए, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ और दसवां ये पार्ट हो जाएगा, ठीक, तो टोटल जो वर्ग अंदर बन जाएंगे, टोटल जो भाग बन जाएंगे, एक दो ऐसे करके टोटल बन जाएंगे 100, ठीक, 100 ये बटे में रहेगा, आपको भिन्न मैंने अभी NCERT 6 क्लास चल रही है उसमें ये बताया भी है, और इन्होंने कहा है कि 100 बराबर भागों में बांट देते हैं, निम्नलिखित में कौन सा भाग दिखाता है जो रंगा नहीं है, तो ये देखिए ये 10 हैं, 10 लाइनें हैं, तो 10 हैं और तीन तीन इसमें जो रंगे हुए पार्ट में निकल गए, तो 30 तो निकल गई, ठीक, 100 में से 30 निकल गए, तो बचे 70 को अगर भाग देंगे तो 7/10 आंसर आएगा, ठीक है, जो 36वें का जो राइट आंसर होगा वो होगा सेकंड, 7/10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, बिंसी प्रतिदिन लगभग 3 घंटे अखबार पढ़ती है, आज उसने 2 घंटे 55 मिनट में अखबार पढ़ना पूरा किया, ठीक, उसने कितने सेकंड अखबार पढ़ा, तो 1 घंटा में 36 सेकंड होते हैं, ठीक है, और 1 मिनट में 60 से गुणा कर दीजिए, 60 मिनट होते हैं, ठीक, आप सभी को पता ही होगा, अब देखिए पहले 2 घंटे को सेकंड में बदल दो, तो 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, तो 2 घंटे में 36 से गुणा कर दीजिए, ठीक है, ये हो जाएंगे 7200, ठीक, ये 7200 सेकंड हो गए, सेकंड ये 2 घंटे, और जो 55 मिनट है, 55 मिनट इसको आपको 60 से गुणा करना होगा, ठीक है, 60 से, तो 0 तो ऐसे रहेगा, लेकिन 6 × 5 = 30 का भी 0 आ जाएगा, 3 यहाँ 6 × 5 = 30 और 3 = 33 3300 और ऐड कर दीजिए, 7200 और 3300 को ऐड कर दीजिए, ठीक है, बस आपका आंसर आ जाएगा, यहाँ पर देखिए सॉरी 7200 और 3300, ठीक, 0 0 5 10 10500, जो ऑप्शन 10500 हो वही सही होगा, ये 10500। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक पूर्ण घन है, पूर्ण घन, घन का मतलब होता है कि यक्स की पावर 3, मतलब 3 पावर तक मतलब बन पाए, जो पूरा बन पाए, जैसे 5 है ये 25 है, ये तो स्क्वायर होता है 5 का, ठीक, ये घन नहीं है, ठीक, स्क्वायर है, 36 ये 6 का स्क्वायर है, ये भी नहीं घन है, घन मतलब क्यूब, ठीक, तो क्यूब ये 64 है, 4 × 16 = 64, 4 देखिए 4 × 3 हो गया, ये पूरा पूर्ण घन है, तो यही आंसर आपका होगा 64। नेक्स्ट है, कार्तिक रात में 10 बजे सोकर उठता है, सुबह 6 बजे उठता है, 10 बजे से सोकर सुबह 6 बजे उठता है, वह दिन का 1/8 भाग खेलने में, 1/6 भाग पढ़ने में व्यतीत करता है, वह दिन का कितना भाग अन्य गतिविधियों में व्यतीत करता है, ठीक है, ऑप्शन आपको दिए गए, तो देखिए 10 से 6 सोता है, तो सोता कितनी देर है 8 घंटा, ठीक है, और फिर खेलने में कितना निकाल देता है, 24 घंटे टोटल होते हैं, उसमें 1/8, तो 8 से भाग देंगे, 8 × 24, मतलब 3 घंटे खेलने में निकल गए, ठीक है, और पढ़ने में 24 घंटे का 1/6,
बटा छः, छः चौक 24, मतलब 4 घंटा पढ़ने में निकाल देता है। टोटल कितने घंटे हो गए, 24 घंटे का पूरा दिन होता है, तो 8, 3, 11 और 4, 11, 4, 15, 15 घंटे वो निकाल देता है। पूछा गया बचे हुए जो घंटे हैं वो पार्ट बताइए, तो देखिए 24 में से 15 घंटा तो उसका निकल जाता है, बची गतिविधि कितनी, 9 घंटे के समय बचा है, ठीक। और टोटल दिन में होते हैं 24 घंटे, तो 24 में से 9 तो निकल, 9 ही बचे, 9 बटा 24 कर दीजिए, अब 3 से भाग हो जाएगा, 3 3 9 3 8 24, 3 बटा 8 भाग अन्य गतिविधियों में लगाता है, 3 बटा 8 जो है वो ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, इसमें है रुसदा और रेखा की चोटियों की लंबाई 1 मीटर का क्रमशः 4/5 भाग और 5/7 भाग है, दोनों चोटियों की लंबाई का योग है। अब देखिए यहाँ पे 1 मीटर है तो फिर जो भाग होगा वो भी 4/5 और 5/7 ही रहेगा, ठीक, ये मान लीजिए, ठीक। तो दोनों चोटियों की लंबाइयों का योग, बस इनको जोड़ना ही है, 4/5 और 5/7, ठीक ठीक है। ये अब नीचे से नीचे गुणा कर दीजिए, 7/5 35 हो गया, और फिर 7 × 4 = 7 = 28 प्लस 5/25, जब इनको जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 53/35, ठीक। और इसको मिश्रित भिन्न में जब बदलेंगे तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 1 सही 18/35, देखिए 35 × 35 और प्लस 18 तो 53 और बटे 35, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 - 10 + 10 - 10 + 10 - 10 --10 का मान क्या होगा यदि पदों की संख्या सम है। पदों की संख्या मतलब जैसे 2, 2, 4, 2, 6, 6 क्या होता है, सम संख्या होता है, तो जब सम में है तब क्या हो रहा है, देखिए 10 से 10 कट गया, ये प्लस का ये माइनस का, फिर प्लस का फिर माइनस का कट गया, फिर प्लस का फिर माइनस का कट गया, जब देखिए सम संख्याएं हो रही हैं तो मान 0 बचेगा, ठीक है। अगर विषम संख्या होती, जैसे मान लो 3 ही संख्या दी गई होती, 10 - 10 + 10, ठीक, तो ये प्लस माइनस कट जाता, 1 10 बच जाता, क्योंकि विषम संख्या है, 1 2 3 3 विषम होती है, ठीक। और चौथी अगर इसमें जोड़ देंगे 10 माइनस की तो ये भी कट जाएगा, तो 0 आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखिए क्या लिखा है, यहाँ पे विभिन्न गांवों में किसानों की एक दिन की मजदूरी नीचे दी गई है, ठीक है। ए गांव में 185 रुपये, बी गांव में 125 एक दिन की मजदूरी, सी गांव में 93 और डी में 87 रुपये है, ठीक है। जगत गांव ए में 105 दिन काम करता है और रेनू गांव सी में 180 दिन काम करते हैं, कौन ज़्यादा रुपए कमाता है और कितने। तो देखिए 105 जगत जो है 105 दिन काम करता है ए में, ए में 105 का मतलब है 185 × 105, ठीक, यही तो हुआ 185 × 105, ठीक है। तो इनका जो गुणा करेंगे वो होगा 19,425 रुपये, ठीक। और रेनू क्या करती है 93, ठीक है, कितने 180 दिन गुणा 180, इसको जब करेंगे तो आंसर आएगा आपका 16,740, ठीक। तो कौन ज़्यादा करता है, कौन ज़्यादा रुपए कमाता है और कितने, ठीक। तो ज़्यादा रुपए कौन कमाता है, जगत कमाता है, ठीक है, जगत कमाता है। और अगर इन दोनों को घटा दीजिए तो ये भी पता चल जाएगा कितने रुपए, तो घटाने पे आएगा आपका 2685, तो पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा एक 106 दशांक के बराबर है, एक और 6 दशांक, देखिए एक और मतलब प्लस लगा लीजिए, 6 दशांक मतलब बटे में 10 होना चाहिए, 10 से जब 0 हटेगा तो दशमलव लग जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1.6, आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, निम्नलिखित में से कौन आरोही क्रम में लिखे गए, मतलब सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे, सबसे छोटे से स्टार्ट करना, तो इनमें सबसे छोटा कौन सा है, सबसे ये संख्या दी गई इसमें सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा बिल्कुल यही है 0.866 वाला, ठीक, और सबसे बड़ा 80.6 ही है, 80.6, ठीक है, सबसे, तो इनसे शुरू और इससे ख़त्म वाले कितने हैं, ठीक, इसको छोड़ के बाकी तीनों में शुरुआत हो रही है, फिर दूसरे नंबर पर ये 8006 है, 8066 हो गया, ठीक है, इससे ज़्यादा हो गया, 806 हो गया, ठीक, ये आपका 44वां है, 44 में जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा, ठीक है, 806, ठीक है, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया इन्होंने, ठीक है, ये पहले होना चाहिए,
ये इधर होना चाहिए, ये इधर होना चाहिए, ठीक। तो ये भी नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा, तीसरा होगा आपका राइट आंसर, ठीक। तीसरा आपका राइट आंसर होगा आरोही क्रम में, बिल्कुल लाइन से लगे हैं। सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे भी बड़ा, फिर उससे बड़ा, और लास्ट में सबसे बड़ा, ठीक। 45वां क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है। म्याऊं खेल को, यहाँ पे लिखा है एक खेल का नाम, मान लीजिए म्याऊं। खेल को खेलने के लिए सब लोग एक गोले में खड़े होते हैं, एक खिलाड़ी बोलता है एक, दूसरा खिलाड़ी बोलता है दो, ऐसे ही चलता रहता है, 3 4 5 6 ऐसे चलता रहता है। जिस खिलाड़ी को 7 या फिर 7 भाग होने वाली संख्या बोलनी है, उस संख्या की जगह म्याऊं कहेगा। मतलब जो 7, जैसे 1 2 3 4 5 6 तक जाएगा, 7वां वाला म्याऊं बोलेगा, फिर 8 9 10 11 12 13 तक जाएगा, फिर 14 वाला म्याऊं बोलेगा। मतलब जो 7 से कटने वाली संख्या है उस पर ही म्याऊं बोलना है। अंत में म्याऊं बोलने वाला खिलाड़ी जीत जाएगा। विजेता बनने के लिए निम्नलिखित में से किस समूह की संख्याएं आने पर म्याऊं बोलना होगा। तो बस कुछ नहीं, ये क्वेश्चन कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, बस इतना ही समझना है कि जो संख्या पूरी पूरी 7 से कट जाए, ठीक है, वही उसी में म्याऊं बोला जाएगा, ठीक। वो आप सबको इन संख्याओं को 7 से भाग देके देख लीजिए, जिसमें तीनों भाग देने पर 7 से कट जाए वही म्याऊं बोली जाएगी। तो इसमें ये वाला ऑप्शन सही है आपका, देख लीजिए। 133 को 7 से भाग दीजिए, 7 से दीजिए, 7 51 7 7 63, देखो 133 कट गया, ठीक। इसी तरीके 154 भी कट जाएगा पूरा पूरा 7 से, 7 2 14 7 2 14, ये देखिए 22 बार ये भी कट गया, और 203 भी कट जाएगा, ठीक। ऐसे 7 से काटे, 7 2 14 7 2 14 और बचे कितने, 6 7 63, ये देखिए ये पूरा पूरा कट गया, तो यही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, जो 7 से डिवाइड हो जाए पूरा, ठीक। तो दोस्तों ये पेपर आपका सॉल्व हो गया। आपको कैसी लगी आज की वीडियो, या फिर सीटेट से संबंधित कोई और जानकारी चाहिए हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।